फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। आज है थर्सडे और 6:45 हो रहा है अभी मॉर्निंग का। अब मैं सारा काम करूंगी, आज मैं ब्रेकफास्ट से लंच तक का रूटीन मेरा दिखाऊंगी और दो छुट्टी में। ये मुझे एक फ्रेंड ने बोली थी कि आप दो छुट्टी में पूरा आपका रूटीन दिखाइए, 25 मिनट्स का वीडियो बनाइए, तो मैं अभी तैयार हूँ। वो चैलेंज तो नहीं, वो बोले थे मैं कर रही हूँ पर मैं बनाऊंगी और अच्छी तो लग रही हूँ। तो छुट्टी में इतना कुछ खराब भी नहीं लग रही। हाँ कैसे लग रही हूँ? और वो हंस रही है मेरा अभी, कैसे लग रही हूँ? बहुत अच्छा है। हाँ आओ, गुड मॉर्निंग। अच्छा नहीं लग रही हूँ? अच्छा है। अच्छा है, वो हंस रही है, छुट्टी जब बांध रही तो हंस रही। चल अच्छा है। और आज मैं ब्रेकफास्ट, अभी ऑफिस भी जाएंगे, अभी पूरा काम करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, और लंच में एक साथ ही हमारे लिए भी बना दूंगी क्योंकि आज थर्सडे हम लोग भी वेज पूरा खाएंगे, तो बना दूंगी मैं। और उनके नाम था फ्रेंड का निशिकांत जेना। पहले शुरू करते हमारा काम। और ये मैं सुबह रात को इडली, यहाँ पे तो ठंडे में नहीं फूलता इडली, तो वो इडली का बैटर, तो मैं इसे माइक्रोवेव में रीहीट करके रख देती हूँ फुल नाइट, तो थोड़ा फूल जाता है पर अच्छा फूला है। आज दिखाती हूँ। हाँ सकता है, वो झाड़ू कर रही है सुबह सुबह। उस पानी गिरा है, ठीक पूछ लेना। और उसका काम है सुबह सुबह सब स्टार्ट। बेटी भी उठ गई है, बेटा ही बस नहीं उठा है, बाकी सबका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। अब मैं बनाऊंगी इडली और आज बनाऊंगी घुगुनी। इडली के साथ तो घुगुनी अच्छा लगता है, कोकोनट भी है पूजा का, वो बनाऊंगी तो देखती हूँ कितना टाइम होता है, मुझे कितना टाइम मिल पाता है। ऑलरेडी कितना टाइम हो रहा है? 6:45। और ये व्हाइट मटर को मैं भिगो दी थी फुल रात को, अब मैं इसको बॉईल कर दूंगी। और अब मैं बिठाऊंगी गर्म पानी क्योंकि सुबह सुबह हम गर्म पानी पीते हैं। और मैं ये इडली का बर्तन भी पुराना हो गया है क्योंकि ये मेरी शादी का है, मम्मी ने दिया था, अभी भी इसको बाय बाय करने का टाइम आ गया है, नया वाला लूंगी क्योंकि ये सब निकल गया है। मुझे डर लग रहा है मेरे छुट्टी कहीं गैस के अंदर ना आ जाए क्योंकि लंबा है ना। अब मैं बनाऊंगी घुगनी और तेल डाल दिया मैं कढ़ाई में, तेल भी गर्म भी हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें सरसों, फिर डालूंगी अब इसमें प्याज, अब डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 स्पून, हल्दी पाउडर डालूंगी, नमक डालूंगी और डालूंगी चिली पाउडर 1.5 स्पून डाल रही हूँ मैं। मसालों को अच्छे से भुनेंगे, उसके बाद चना डाल देंगे। पानी पी रही हूँ मैं, गर्म पानी पिया नहीं था,
ऐसे में खाना बनाते बनाते पी ले तो जब ज्यादा हरी भरी होता है, नहीं तो बैठ के पीती हूँ। पर आज मुझे और भी कहा क्या करना है, हाँ मिक्स वेज करी करना है, इडली हो गया, दाल हो गया, दाल का तड़का लगाना है, राइस तो हो रहा है। अभी का जाने का टाइम हो गया, अभी 7:30 अभी हो चुका है, तो निकल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। पता नहीं कितना जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगी। अब बिठाते हैं मिक्स वेज करी। ये जो हमारा व्हाइट, ये जो व्हाइट मटर में भिगोई थी से थोड़ा रखी हूँ मैं, ये मिक्स करी में डालूंगी तो अच्छा लगेगा। चना दाल भी डालते हैं, नहीं तो ये मटर भी डालते तो और भी अच्छा लगता है। चलिए ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पहले कुकर में तेल डालूंगी, फिर उसमें सरसों और जीरा का तड़का लगाएंगे। अब मैं डालूंगी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर अब मैं दूंगी इसमें हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर डालूंगी ये व्हाइट मटर, नमक डाल दूंगी और अब डालूंगी मैं चिल्ली पाउडर। अब ये वेजिटेबल भी डाल दूंगी इसके अंदर। सबका अभी अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और कुकर में 2 सीटी लगा दूंगी, हो जाएगा हमारा मिक्स वेज करी। और ये मिक्स करी हो गया है। अब मैं टिफिन में निकल कर हबी को दे दूंगी, उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है, वो ब्रेकफास्ट खा रहे। अब करूंगी फटाफट टिफिन पैक। और ये हबी ऑफिस जाने के बाद किचन का हालात, चले गया हबी ऑफिस, उनको जल्दी जल्दी टिफिन पैक करके दे दिया है। और ये रहा मेरा गुगुनी, अब हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। अब ये खाना को मैं निकाल दूंगी, निकाल के रख दूंगी टेबल के ऊपर, और ये कुकर पुकर सब मैं वॉश करने के लिए निकाल दूंगी, क्योंकि अभी आज दोपहर को मुझे और खाना बनाना नहीं है। आज तो लंच भी मैंने एक साथ ही बना लिया है, कभी कभी मैं इसे बना लेती हूँ, इजी होता है, क्योंकि सब तो आज वेज खाएंगे थर्सडे। यह मिक्स करी, अब मैं रखूंगी दाल को। अब ये सारे खाना को मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूंगी। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे इडली और घुगनी, और लंच के लिए तो दाल और करी हो गया है। आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं लंच भी बना लिया एक साथ, और मुझे आज बहुत टाइम मिलेगा, तो ये टाइम को मैं क्या करूंगी वही सोच रही हूँ। बेटी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए उसको पहले दे दूंगी ब्रेकफास्ट, वो खा के चली जाएगी उसके रूम को। सुबह तो बस नहा लिया था, अभी बस करना है मुझे सिर्फ पूजा और किचन क्लीनिंग, तो इसको भी दे देती हूँ। और महादू कभी चाहेंगे तो ले लेना, ठीक है।
ग्रेविक चाट लिखा के चली जाएंगे, हो जाएगा उसका क्लास स्टार्ट। अब 5 मिनट्स बाकी है, 5 मिनट्स में ये टिफिन फिनिश करेगी। बेटा को भी ब्रेकफास्ट दे दूंगी, बेटा भी ब्रश करके आ जाएगा अभी। कैसा हुआ बाबा इडली? यामी, उसको तो जब पूछो यामी। और इडली आज बहुत सॉफ्ट हुआ है। कल भी हो जाएगा हमारा इडली। अब इसको मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। अब मैं यही से इस टाइप का डिब्बा में रख लेती हूँ, तो बनाने के लिए भी इजी होता है और फ्रिज में भी कम स्पेस लेता है ये। खाना कभी कभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चला जाता है, तो इसको अंदर से भी क्लीन करना पड़ता है। अब मैं थोड़ा हाथ पैर धोकर पूजा कर लूंगी। कैसे लग रही है सिंदूर? बिंदी में दो चोटी, अब तो चोटी भी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है।
और आज तो मेरा सारा काम भी खत्म हो गया, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। आज अच्छे से बैठ के सोच रही हूँ एक मूवी देखूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं कोई मूवी नहीं देखी हूँ, तो आज मुझे पूरा टाइम मिला है मूवी देखने का, तो एक मूवी अब देख लूंगी मैं। और इडली आज बहुत अच्छा भी हुआ है, वही सोच रही हूँ आज क्या देखूँ, कौन सा मूवी देखूँ। देखते थे रैंडमली जो मूवी आता होगा वही देखूंगी। आज पूरे करी में पूरा इडली कैसे मिक्स कर दूंगी, जैसे बच्चे खाते हैं ना वैसे ही मैं खाती हूँ इडली, ये मिक्स करके ऐसे खाऊंगी। और फ्रेंड अभी मूवी देखना हो रहा है, और थोड़ा है 2-2.5 घंटा इधर ही चिल कर रही हूँ मैं। और ये है बाबू। बाबू हाल ये करियो बाबू, गुड आफ्टरनून कह दो। गुड आफ्टरनून उसको सजा रहा है, उसका डॉल है उसको वो सजा रहा है। उसका डॉल का खाना पीना हो गया और उसको सुला दिया है वो, और हम मैं जाऊंगी अभी किचन में। खाना तो बन गया है, बस पापड़ थोड़ा फ्राई करूंगी। चलिए फिर चलते किचन में, बहुत आराम हो चुका है मेरा, अब चलूंगी मैं किचन में। और आज तो 2 चोटी मैं अभी तक बांध के रखी हूँ, अभी हो रहा है 1 o'clock, सुबह 6:30 बजे मैं चोटी बांधी और अभी तक है, रहेगा यार, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस सिंदूर बिंदी ये सबके साथ ये रहा, ये है छुट्टी, क्योंकि मैं तो सिंदूर हमेशा लगाती हूँ और बिंदी भी लगाती हूँ, और पूजा के टाइम तो सिंदूर बिंदी लगाना मस्ट एंड मस्ट है, तो वो अभी मैं उसको पोछती भी नहीं हूँ, तो ऐसा है। तो बोलिए सिंदूर और बिंदी में मेरा ये 2 चोटी का लुक कैसा लग रहा है, आप लोग बोलिए। और बेटे ने तो नाम दे दिया है मेरा चुटकी, छोटा भीम का चुटकी हूँ मैं। उसका कुछ गाना याद है बाबू, चुटकी का गाना छोटा, मुझे तो सिर्फ भीम ऐसे याद है और कुछ नहीं। और ये बोल रहे छोटा भीम का चुटकी लग रही हूँ मैं, चुटकी चुटकी छोटा भीम का चुटकी बना ये 2 चोटी। चलिए अच्छा लग रहा है मुझे ना, ऐसे चोटी में खेलने का ऐसे मजा आ रहा है। चलती हूँ मैं किचन, किचन किचन बुला रहा है। पैदल चल रही हूँ किचन की तरफ से, बुला रहा है मुझे मेरी ही किचन कब से। जब तक आई गर्म हो रहा है, सोच रही मैं क्या करूँगी, गाना गाऊंगी, और ना वो गाना मैं उड़िया में गाऊंगी, और वो गाना मेरे टाइम का, जब मैं कॉलेज में थी तब ये गाना बहुत फेमस था, नैना दास का गाना था। बेहूची बाबा अखी आजी की ये आजी बकी, नैना जी की आजी आजी जी आई तक मतलब लॉकडाउन में किए कोड आजी को सड़न लॉकडाउन कुछ नहीं की भी असना जी कर भारी बोल लगी लड़ी मच्छी के भी असली मच्छी भी आया भाई वो जो दिया होगी मच्छी मच्छा किच्छी काम भी देखी नहीं जितनी पिट्टा सीधे भी हम बड़ी ना आंधी आओ कपड़ों भी ना आंधी किच्छ भी ना बोरिंग लग लड़ी काम उड़ कर वहां चेहरा देखे हुए चल लड़ी की ये तो असो प्लीज असो प्लीज। हाँ तो गाना वाला हम तो गीत वाला बेमुची बाबा अखी अजी की ये असी बोती सकाल का सकाल 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 की ये सकाल सकाल तेलटा गरम होता मन नहीं रही कत गरम होता पापड़ खाने वाली।
Thank you.
आज लंच भात डाली घंट तरकारी टिके गुगुनी सकाळ रतिला गुगुनी आउ पापड ने जे सी टीवी देखि खाइबो आज तार कोन मूवी देखु छी और ये आ गया बेटी का खाना। आज वो लोग सब मूवी देख रहे, मेरा मूवी देखना खत्म हुआ, वो अभी देखेंगे। मेरा खाना हो चुका है पर ये दोनों अभी तक बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे बैठा है और ये यहाँ पे बैठी, दोनों बैठे हुए हैं क्योंकि टीवी देखकर जब खाना खाते हैं ना एक घंटा लगता है। ये दोनों तो ये मूवी खत्म होने के बाद सोएंगे। तो हाँ, वो गाना भी मुझे याद आ गया है। मैं चिटिंग नहीं की हूँ, वो गाना मुझे याद आ गया है। सेम ही है, मैं थोड़ा सा ऐसे बस सुर जो उसका हुए सुर को मैं इधर उधर कर रही थी। वो गाना है और कोई भी कोई आ भी गया है। चलिए बाय।